यह जश्न इंडियन क्रिकेट टीम की जीत का नहीं है, बल्कि ये जश्न है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत का। ये जश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो लद्दाख में उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लद्दाख में हुए इलेक्शन में सिरे से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के लोगों ने नकार दिया है। कल जो है वो काउंटिंग शुरू हुई थी और काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और देखा जा रहा था कि कांटे की टक्कर है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस में और भाजपा में। लेकिन अंत में देखा जाए जो रिजल्ट निकला वो बिल्कुल ही अलग था बीजेपी के हिसाब से। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली, अन्य की बात की जाए इंडिपेंडेंट भी 2 लोग जीत कर सामने आए, लेकिन 26 सीटों पर यह चुनाव हुआ था। 12 सीटें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में आई, 10 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, 2 इंडिपेंडेंट रहे और 2 बीजेपी ने जीती। और साफ तौर पर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लद्दाख में हुए इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी जीत कर निकली है। जब से इंडिया गठबंधन बना है और ये उनकी अगर देखा जाए तो चुनाव के बाद पहली जीत है, और 370 के बाद अगर बात की जाए तो लद्दाख में पहली बार चुनाव हुए हैं। ये चुनाव लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चुनाव थे और इसमें साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 सीटों के साथ जश्न मनाते हुए एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले महीने ही राहुल गांधी ने भी लद्दाख का दौरा किया था, इससे पहले आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने की थी। और पिछले महीने जिस तरह से वो करगिल गए थे, हर एक व्यक्ति से वो मिले थे, दुकानदारों से मिले थे, लोकल लोगों से लगातार वो बातें करते हुए नजर आ रहे थे और उसका असर जो है साफ तौर से वो देखने को भी मिला है इस इलेक्शन में। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था, जब से जम्मू कश्मीर में कोई भी बात होती है उनके जो लीडर आते हैं वो तो यही कहते थे कि जम्मू कश्मीर में 50+ जो है वो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर लाएगी। लेकिन लद्दाख की बात की जाए तो वहाँ बिल्कुल उलट जो है वो बीजेपी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। 3 सीटों पर हार भी हुई है और जिस तरह से बीजेपी ये देख रही थी कि इन्हें बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है वो मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीटें वो और जीत के सामने आएंगे, लेकिन वहाँ पर बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। और वहाँ पर लगातार जश्न जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे वो कर रहे हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो उनके लोग लगातार जश्न कर रहे हैं और जम्मू में भी इसका जश्न जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं उमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस रिजल्ट के बाद कह दिया है कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को बांट दिया था, जम्मू कश्मीर को जो स्टेट से यूटी बना दिया था और लोगों को वो बिल्कुल भी रास नहीं आया है। जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, जो नीतियां वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपना रही हैं उन्हें भी लोगों ने सिरे से नकार दिया है। जो ये नतीजा निकला है वो उसी का नतीजा है, जिस तरह से उन्होंने, लोगों ने, जनता ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये नीतियां भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, हमें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। और साफ तौर पर ये देखा जाए कि अभी जिस तरह बीजेपी की करारी हार हुई है, अपोजिशन पार्टियां और साफ तौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लद्दाख की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, इन सभी अपोजिशन पार्टियों को कहीं ना कहीं जो हौसला मिला है अब आने वाले समय में वो और ज़ोरदार प्रदर्शनों के साथ और ज़ोरदार तरीके से जो है वो लोगों से मिलेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं उनका साफ तौर पर कहना है इसको हम विरोध करते रहेंगे, पहले भी किया था और अब भी करेंगे। और लोगों ने भी साफ तौर पर ये मान लिया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लोगों के लिए जो वादे किए गए थे लोगों तक वो वादे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और वहीं अब कल की बात की जाए तो 10 तारीख को जिस तरह से जम्मू में अपोजिशन की एक मीटिंग हुई थी, अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की थी कि 10 तारीख को हम जो है एक धरना प्रदर्शन करेंगे जिसमें सभी अपोजिशन के पार्टी के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो मिलकर सामने आएंगे। और कल का जो प्रदर्शन है, जो धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा, अब वो ग्रैंड होने वाला है क्योंकि ये हौसला वो लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें भी अब ये पक्का महसूस होने लगा है जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं, क्योंकि ये 370 के बाद लद्दाख में पहली बार चुनाव हुए हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पाले में ही लोगों ने वोट डाले हैं और वो जीत के सामने आए हैं। और इसी हौसले के साथ अब वो कल धरना प्रदर्शन करेंगे और अपोजिशन पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को और ज़ोरदार तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगी और ज़ोरदार तरीके से सवाल करने की कोशिश करेगी और उनकी नीतियों को और सिरे से नकारने की और जनता में अपनी पूरे तरीके से पैठ बनाने की कोशिश करेगी, ताकि आने वाले समय में जब भी यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, जिससे कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे
अगले साल इलेक्शन होंगे, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो साफ तौर पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यही चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को अब इन्हें अलग करना है, जनता से अलग करना है और अपने आप को सामने लाना है और जीतकर बड़ी पार्टी जो है हमें बनानी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है वो क्या करती है, क्या चेंजेस लाती है, किस तरह के उनकी अब तब्दीलियाँ देखने को मिलती है और किस तरह से वो लोगों तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ लद्दाख की बात की जाए तो वो इलेक्शन जो है वहाँ पर तो करारी हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिली है। फिलहाल दीजिए इजाजत, ब्रजेश सरकार के साथ राहुल सिंह द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।